अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं हकीम जा शाहिद वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं आज जिस नुस्खा के हवाले से हम बात करने वाले हैं ये एक भाई की रिक्वेस्ट थी और बहुत दिनों से जो है ये रिक्वेस्ट चल रही थी कि आप गंठिया के हवाले से कोई वीडियो बना दें अभी तक आपने गंठिया के हवाले से कोई वीडियो नहीं बनाई तो मैंने सोचा क्यों ना एक नुस्खा जो है अच्छा नुस्खा जो है जो कंप्लीट एक बेहतरीन इलाज हो वो आपके साथ शेयर किया जाए तो आज का नुस्ख़ा हमारा गंठिया के हवाले से है जिसको आर एफ फैक्टर पॉजिटिव जिनका हो जाता है उनके लिए है आज का नुस्खा बहुत मुजरब और आसान तरीन नुस्खा है क्योंकि तो गंठिया के जितने भी नुस्खा जाते हैं थोड़े से मुश्किल हैं उनको बनाना मुश्किल है काफ़ी ऐसे मरहले होते हैं जो आम आदमी की पहुंच से दूर होते हैं एक तबीब ही उसको तैयार कर सकता है लेकिन आज का जो नुस्खा है ये हर आम व ख़ास जो है इसको तैयार कर सकता है अब हमें इस नुस्खा में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी ये अभी आगे चल के आपको बताएंगे तो आपको नुस्खा की तरफ़ लिए चलेंगे लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोज़ आपको मिल सके तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ जी नाजरीन तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ तो हमें पांच चीज़ों की ज़रूरत होगी जिनमें मैं आपको पहले तारुफ करवा देता हूँ चीज़ों का नंबर एक पे हमें चाहिए होगी तुरबत सफ़ेद नंबर दो पे हमें चाहिए होगी जोखार नंबर तीन पे हमें चाहिए होगी सुरंजान शेरी नंबर चार पे हमें चाहिए होगी गुगल और नंबर पाँच पे हमें चाहिए फ़िलफिल स्याह मतलब काली मिर्च ये पाँच चीज़ें हमें ज़रूरत होगी अब अगर इनके वज़न की बात कर लें तो आपकी सहूलत के लिए स्क्रीन पर भी लिखा आपको मिल जाएगा तो ये पांचों चीज़ें हमें हम वज़न चाहिए अगर मैं आपको बताऊं कि आप कितना वज़न ले लें जो आपके लिए सूटेबल रहेगा तो 30 ग्राम हर चीज़ का वज़न जो है बेहतरीन है मतलब तुरबत सफ़ेद तीस ग्राम ले लेंगे जोखार जो है तीस ग्राम ले लेंगे सुरनजान शीरी जो है ये तीस ग्राम ले लेंगे गुगल तीस ग्राम ले लेंगे और फिलफिल फिलफिलस्या काली मिर्च जो है ये भी हम तीस ग्राम ले लेंगे अब ये पांचों चीज़ें आपने ले लेनी है तीस तीस ग्राम और इनको बारीक पीस लेना है इनका पाउडर तैयार कर लेना है अब जब इनका पाउडर तैयार हो जाएगा तो तब आपको ज़रूरत होगी मुनक्का की मुनक्का कहते हैं जो बड़ी दाख भी कहते हैं उसको और जो किशमिश होती है ये बड़े वाली जो किशमिश होती है जिसमें बीज होते हैं उसको मुनक्का बोला जाता है लेकिन हमें चाहिए होगा मुवीज़ मुनक्का मुवेज़ मतलब के साफ़ हुआ हुआ आपने मुनक्का ले लेना है आप मुनक्का आपको चाहिए होगा हसब ज़रूरत मतलब उसमें वजन की कोई क्वांटिटी नहीं होगी आप तकरीबन पचास ग्राम ले लीजिए लेकिन आपने उसको खोल के उसके अंदर जो बीज होते हैं वो आपने निकाल देने क्योंकि बीज का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे उसके बाद आपने जो आपके पास ये पाउडर होगा किसी भी हावन दस्ते में डाल लें या किसी कुंडी में डाल लें वो आपकी मर्जी है और मुनक्का जो है आप उसमें डाल के उसको कूटना शुरू कर दें जब आप मुनक्का क्योंकि गीला होता है और ये दवाई जो है ये उसमें शामिल होती जाएगी जैसे जैसे आप इसको कूटते जाएंगे ये गाढ़ा जो है एक आटे की शक्ल में आ जाएगा इतना आपने इसको कूटना है कि मुनक्का और ये तमाम अदवियात जो हैं ये यकजान हो जाएं और इस काबिल हो जाए कि आप इससे गोली बना सकें जब इस काबिल हो जाए कि आप इससे गो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अगर आप मतलब सही तरीके से वो ज़्यादा सख्त हो गया आप गोली नहीं बन रही तो मुनक्का थोड़ा सा और डाल लीजिए बीस ग्राम और डाल लीजिए वो आप हंसपे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं आपने इतना इसको कूट के तैयार कर लेना है कि गोली बनने के काबिल हो जाए तो जब आप ये तैयार कर चुकेंगे तो गोली जो है आपने काले चने के दाने के बराबर गोली बनानी है जितना काला चना होता है इतनी आपने गोली बना लेनी है इसकी इसको नखूदी गोली कहते हैं हमारी तिब की ज़ुबान में तो यह आपकी जब गोलियाँ बन जाएंगी तो आपकी दवा जो है वो तैयार हो जाएगी अब बात करते हैं इसके तरीक है इस्तेमाल की तो आपको ये दिन में तीन वक्त इस्तेमाल करना होगी सुबह दोपहर और शाम तीन टाइम आपने इसको इस्तेमाल करना है अब इसके इस्तेमाल का तरीका भी थोड़ा मुख्तलिफ है कि कैप्सूल सॉरी गोलियाँ तो आपकी जो हैं वो तैयार हो गई अब आपने इसको पानी के साथ इस्तेमाल नहीं करना आपने खाना खाने के बाद एक कावा तैयार करना है ये भी आपकी सहूलत के लिए मैं स्क्रीन पर लिख दूँगा कि कावा कैसे बनाना है दार चीनी और लॉन्ग ये दो चीज़ों का आपने काहवा तैयार करना है दार चीनी का आप टुकड़ा ले लें एक से डेढ़ इंच का और लौंग जो है वो दो से तीन अदद आप ले लें अगर ब्लड प्रेशर हाई होता है आपका तो फिर आप लौंग की मकदार जो है वो थोड़ी कम कर देंगे मतलब एक या दो कर लीजिएगा तो यह आपने एक कप कावा बनाना है और सुबह दोपहर शाम छोटे वाला कप तैयार करना ज़्यादा बड़ा मतलब कावा नहीं बनाना इसका बिल्कुल छोटा सा कप हो जो आसानी के साथ पिया भी जाए इसमें आप हसबाई जायका शक्कर गुड़ या चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ये आपने दिन में तीन टाइम इस्तेमाल करना है सुबह दोपहर शाम खाना खाने के बाद और मैं यकीनन कह सकता हूँ कि कुछ ही दिन के इस्तेमाल से इन आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा घंटियों में होता क्या है कि जोड़ जो होते हैं ना ये जुड़ जाते हैं मतलब तो इनकी जो ये मूवमेंट है ये जो मेरी उंगलियाँ हरकतें कर रही हैं तो ये नहीं होती उसमें ये होता है कि जोड़ आपका अकड़ जाएगा तो उंगली आपकी स्ट्रेट हो जाएगी या थोड़ी सी अगला हिस्सा जो है ये मुड़ जाएगा या यूँ हो जाएगा यहीं पर जाम हो जाएगा मतलब तो आपके जोड़ जो है वो जुड़ना शुरू हो जाते हैं और इस नुस्खा के इस्तेमाल से इन शह बहुत जल्दी जो है आपको असर नज़र आएगा इसका और बहुत तेज़ी के साथ ये फ़ायदा करता है और कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपको आराम आना शुरू हो जाएगा तो इस नुस्खा को बनाइए इस्तेमाल कीजिए अपने भाई को अपनी खसूसी दौ में ज़रूर याद रखिए उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि एक शेयर करने से किसी की ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सकती है तो आज के लिए इतना ही था मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जा शाहिद को इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफि